दादा जिसने गोविंदा बनके दिखाया भोजपुरी इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट देने वाला कलाकार बना। और एक खासियत सुनिए बुलबुल भैया, एक खासियत और भी है, सब उल्टा काम है। अच्छा जी, सारे मेहनी के कलाकारों को मोटकी में साजबाज बजवा करके और गाना गवाने की आदत जिसने पैदा कर दी उसका नाम खेसारी लाल यादव है। वाह वाह, सबसे ज्यादा मोटकी स्पेस को फिल्म जगत में शामिल कराना एक खेसारी लाल की औकात है। और आपको बता दूं, जिसको भैरवी कहा जाता था, चैता कहा जाता, चैता गाना का जो पद्धति थी वो चैत में गाया जाता था, इस लड़के ने दुल्हे के शादी के बैंड में कोको कोला बजवा दिया। हाँ, सावन में बजवा दिए। अब सावन में भी चैता का धुन बजेगा। ये उल्टा पुल्टा काम भी शानदार करके जो सही कर दे उसका नाम खेसारी लाल यादव हो जाता है। इसलिए मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है, मेरी कविता हंसी ठोठियोली की व्यापार नहीं है, मेरी कविता काव्य मंच के मर्यादा का कारोबार नहीं है, और हंस बेस में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की त्योड़ी पे पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता औरों धोखे चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी, मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, मेरी कविता भारत माँ का जय जयकार करेगी। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, आपको सच्चाई मालूम है साहब, पूरा का पूरा शादी विवाह तिलक में बुलबुल बाबा, जब लड़के कलाकार आजकल गा रहे गाना तो 500 से ज्यादा भीड़ नहीं लगती है। जिसको पूरी तरकारी आप जैसा कलेजा परियार हो वही कार्यक्रम करा सकता है। हमारे यहाँ बगल में गए थे, 80x80 का मंच फंसा के चले आए। उस दिन मेरा भी तिलकोत्सव था और शादी का अवसर था। मैं सोच रहा था हिंदुस्तान के चेहन का एक ऐसा लड़का जो छपरा की मिट्टी से उठता है, जहाँ से राजेंद्र बाबू की धरती गुंजमान होती है, जेपी शंखनाद करते हैं, और वहां का लड़का खेसारी लाल यादव मुंबई में पैर रखता है, तो छपरा सारण सिवान को जिंदाबाद करा देता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली बजाइए, गाना गवा रहा हूँ कोको कोला। चलिए, गाना कोको कोला गा नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें लड़की भी है, तो सोना जी आएंगे तो हम डांस कर दें। डांस कर देना। इतना मेहनत करने वाला कलाकार कोई नहीं है इंडस्ट्रीज में, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हादसों की जद पे हैं तो क्या घर बनाना छोड़ दें, हादसों की जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। जिस दर्द में आपने गाया है, एक आदमी ने पूछा खेसारी का गीत कैसा लगता है, सुनना भाई साहब कैसा लगता है, रिसर्च का विषय। जैसे आपको दे दिया जाए लखो कसार बुनिया जिलेबी, सब रख दीजिए अलग अलग थाली में और कहिए कि आप खा लीजिए, और जब खा लीजिए तो पूछिए कि जिलेबी कैसा मीठ लगता, लखो कैसा मीठ लगता, जब तक खाइबा ना तब तक बुझाई ना कि कैसा मीठ लगता। इसकी परिभाषा कोई नहीं है कि कैसा मीठ लगता। उसी तरह से खेसारी के गीतों को आत्मसात करिएगा तो पता चलेगा कि कैसा लगता है। कृष्णा बेदर्दी क्लाइमेक्स का राइटर है, अखिलेश कश्यप झिलमिलाहट का छेड़छाड़ का बुनियादी कलाकार है, वो लिखता है तो उसके एहसास में गुदगुदी होती है। पवन जी दर्द के राइटर है, तो सब राइटरों की फौज किसके पास है, इनके पास। इसके बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। इनकी आंख सबसे छोटी है अनिल कपूर की तरह, लेकिन सबसे ज्यादा मारक है, इसलिए यही एक जुर्म है मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। जिस दिन से देखा है तेरी आंखों को उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ। आज बुलबुल बाबा ये सबसे खतरनाक आदमी, ये देखने में दुबले पतले लेकिन उतना ही कलेजगर आदमी है, और बड़े दिल से आप बुलबुल कह दीजिएगा बुलबुल बाबा तो लोग जान जाते हैं कि कहाँ जाना है। गांव का नाम मोहब्बत परसा, जीते कितनी बार, दूसरी बार, हैट्रिक की तैयारी है, लेकिन साहब
मैं आपको दिल से बताता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ, इसके बाद माइक देता हूँ। वीरप्पन साहब भी खड़े, बड़ा बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, पवन जी की कलम, ये सारे लोग, कृष्णा बेदर्दी, ब्रजेश मेरा छोटा भाई, सब अच्छा गा रहे, कमाल का म्यूजिक टीम बजा है, जो शानदार लोग कलकत्ता जाते थे। लेकिन जो दूरी है, जो तय किया खेसारी लाल जादू ने मेहनत से, आइए साहब, ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन के कलम में आया तो उन्होंने लिखा, सुनिएगा पप्पू भैया मुन्ना भैया, ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन के कलम में आया तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे फीके चुनर वाली, यही रंग जब आस्था के चौकट पे आया तो अनूप जलोटा साहब ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, यही रंग जब फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने गाया, हुस्न और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मोहब्बत की हंसी रात किसे पेश करूं, यही रंग एक कवि के पास आया तो उसने कहा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और यही रंग ताली अब उठे, यही रंग 18 साल के नौजवान भगत सिंह के सर पे चढ़ के बोला, तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मायरे में रंग दे बसंती चोला, और यही रंग साहब जोरदार भगत सिंह के ऊपर ताली बजाए, लेकिन टूकली ताली बजाइए इतिहास के लिए, और यही रंग छपरा के लड़के पर चढ़ के बोला, तो उसने गाया, सैया लैया लेखा सोच जाने गोरा में दिया के अजोरा। ये गिरे पड़े शब्दों को सऊदी में जो लोग रहते थे उनके दर्द को व्यक्त करने वाले कलाकार ने कैसे क्लाइमेक्स पे उड़ना शुरू किया, इसलिए न मैं आंखें बनाता हूँ न मैं काजल बनाता हूँ, तेरी मिट्टी बुनियादी तौर पे अच्छी है, उसी को उड़ाता हूँ, हवा में बादल बनाता हूँ। आइए एक थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, ब्रेक दे दीजिएगा, भैया ने पुरस्कार दिया, चरण स्पर्श करता हूँ जी, प्रणाम, जी जी नमस्ते, तो मैं चाहता हूँ पर दोनों हाथ खड़ा कर, जी जी, रोमी सिंह भैया बहुत अच्छा, छपरा के लोग पुरस्कार देते हैं ना तो बड़ा लगता है, जैसे पांच भाई थे तो आरा में पूछा गया कि पांच भाई हैं, अमरूद है एक, कैसे बांटोगे, तो कहा कि पांच अमरूद है, पांचों भाई एक एक बांट देंगे, ठीक है, लेकिन जब छपरा वाले से पूछा गया कि एक को टपका दें तो क्या मामला है, छपरा कहता क्या है, उसका मिजाज क्या है, एक खेसारी लाल जादू से बड़ी व्याख्या किसी ने की नहीं की। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती है, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती है, तब सुमित्र जैसा है हंसी बरसात जैसी है, खेसारी दिल से बोल रहा हूं यार, जब तुम गुनगुनाते हो तो रातें भीग जाती है, तुम्हारे प्यार से दिल में उजाला होने लगता है, जब तुम बात करते हो तो बातें भीग जाती है। मैं चाहता हूं जिस जैसे सलमान खान किसी हीरोइन को टच कर ले तो सुपर स्टार हो जाती है, आपके आंगन का एक तुलसी का पौधा जब किसी हीरोइन को ऊपर पोज कर दे तो सुपर स्टार बन जाती है, ये थमक है इसकी। मैं चाहता हूं थमक के लिए पर दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए जितने लोग हैं, और एक बार बुलबुल बाबा के लिए और खेसारी लाल यादव की मोहब्बत के लिए छपरा ताली बजाए, सिवान गोपालगंज आ रहा जोरदार ताली, सुपर स्टार खेसारी लाल यादव, बहुत बहुत शुक्रिया।